मेरा ये मानना है जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर उसके सेक्युलरिज्म की वजह से, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वजह से, और जो बाकी लीडर उनके साथ थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे अम्बेडकर साहब थे, चाहे सरदार पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेन पर्सन जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। खासकर जो आज की सरकार हिंदुस्तान में है, अगर वो सरकार उस वक्त 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतन मजहब की बुनियादों को दरकिनार करके हिंदुस्तान का, इस हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहाँ सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूँगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज़ है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये मैं दोहल कहना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। मैम, जो साथ में आपने भी उसमें ट्वीट किया था और प्लस आपने भी किया था, आपको लगता है कि ये आदत निकालना बहुत ही मुश्किल है लोगों की? ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। हमारे स्टेट की सबसे ज़्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है, पूरे मुल्क की बिजली, पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं, और उसी के बलबोते पे चाहे BJP हो चाहे दूसरी जमातें हो, वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ, बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात, इससे बड़ा सुतेलापन और क्या दिखा सकती है BJP हमारे साथ, इस रियासत के साथ? ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे, हमें कंपनसेट करे इंडस वाटर ट्रीटमेंट के लिए, हमारे लोगों को बोलती आप अंधेरे में रहो, हीटर मत जलाओ, और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला किया। खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब लोग किसी चीज के लिए इरादा करेंगे, तो पूरा अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था, जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह करके रहेंगे। थैंक यू। हो गया यार, बात कर ली उसके ऊपर।